कि पीटीआई को वालों को आज कम अज कम माफी जरूर मांगनी चाहिए थी कि जिस जज के खिलाफ आपने अदम इतमाद किया है उसी से रिलीफ मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए, आपने बड़ी सीरियस एप्लीकेशन फाइल की है और आज कह रहे हैं जी उसने आईन और कानून के मुताबिक फैसला दिया है, लेकिन जो जज इनके हक में फैसला देता है वो जैसा भी वो कह रहे हैं ये ठीक जज है। जब इनके खिलाफ फैसला आता है वो चाहे जज 100% मेरिट पे हो कहते हैं ये इसके जजमेंट ऐसी है, ये उसको पर्सनल अटैक जो है पीटीआई का एक वतीरा बन चुका है वो। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। यह है पाकिस्तान के मेन मीडिया का हाल, जहां पर टाउटों की बहुतात है, हर तरफ आपको टाउट ही टाउट नजर आएंगे। जस्टिस आमिर फारूक इस्लामाबाद हाई कोर्ट को तमगा पहनाना चाहिए, जिन्होंने इमरान खान साहब को बहुत बड़ा रिलीफ फराहम किया, उनको बहुत बड़ा इंसाफ फराहम किया। कहना है जदून साहब का, इस पर कहने को तो बहुत कुछ है, मगर पहले इस शख्स को जो लतीफ कोसा साहब ने जवाब दिया है वो भी आपको सुनवाते हैं, फिर इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। प्रेशर तो जरा मुस्लिम लीग नून का वतीरा है, आप जरा मरियम बीबी की तकारीर तो सुनिएगा, जरा एक एक करके इनके अता तारड़ साहब की, एक एक करके प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की, इनके एक एक जो है स्पोक्स पर्सन की जरा तकारीर तो सुनिए, जो इन्होंने हर्जा गोई चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और अदलिया के खिलाफ पिछले 16 माह से जो है वो जारी और सारी रखी हुई है, जिस तरह से इन्होंने अदालत के अहकाम की तस्दीक की है और जिस तरह से इन्होंने जो है 90 दिन के इलेक्शन 14 मई के उसको हवा में बखेर के फेंका है, जिस तरह से इन्होंने आईन की उन बाजे शिकों की आपके वाजिब है, आप पर लाजिम है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए, वो इन्होंने जिस तरह से केयर टेकर को इन्होंने 90 दिन से ज्यादा तवालत देकर और अब जो फरमा रहे हैं कि 7 माह कम से कम लगेंगे, ये तो आईन और कानून और अदलिया को मानते ही नहीं है। ये खुद अदालतों को मानते नहीं हैं, दूसरों को अदालतों के एहतराम का भाषण देते हैं। मरियम नवाज की तकरीर आपके सामने पड़ी है, जिस तरह उन्होंने कौमी असम्बली में भी चीफ जस्टिस साहिबान की तस्वीरें लगा के उनकी तजलील की, सबसे बढ़कर 14 मई के इलेक्शन की जो तारीख सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई उसको मानने से इन्होंने इनकार कर दिया, क्या इससे बड़ी अदालत की तोहीन और जजिस की तोहीन कोई हो सकती है। जस्टिस आमिर फारूक ने जिस बेईमाना तरीके से इमरान खान साहब को जज दिलावर के ज़रिए इस केस में जो कि तोशाखाना का है सज़ा दिलवाई है, इसकी तारीख में मिसाल कहीं नहीं मिलती है। इंतहाई बोंडे केस में जिसमें इमरान खान साहब को 5 मिनट की जेल भी नहीं बनती है, इन जालिमों ने खान साहब को 24 दिन तक जेल में रखा, उसके ऊपर ये जहांगीर जदून साहब गुफ्तगू नहीं करेंगे और ये कहते हैं कि आमिर फारूक से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्या आमिर फारूक को आवाम से माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए जब उन्होंने इमरान खान साहब के 9 मई की गिरफ्तारी को कानूनी करार दिया और चंद घंटे बाद उसको सुप्रीम कोर्ट ने इल्लीगल करार दिया, क्या उस वक्त आमिर फारूक को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उस वक्त आमिर फारूक को माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए जिन्होंने जानबूझकर जज दिलावर के साथ इमरान खान साहब का तोशाखाना केस बार बार लगाया, दरख्वास्त करने के बावजूद कि केस को मुंतकिल किया जाए, जज दिलावर से हमें इंसाफ की उम्मीद नहीं है, मगर जस्टिस आमिर फारूक उसके ऊपर खामोश रहे और उन्होंने जज दिलावर के साथ इमरान खान साहब का केस लगाया। एक कमजोर केस में खान साहब को जज दिलावर ने सजा दिलाई और अब मजबूरन जस्टिस आमिर फारूक को यह सजा मुअत्तल करना पड़ी। तो यहां पर आप खुद बताएं कि जो लोग गलती करें माफी उनको मांगनी चाहिए या जिन्हें इंसाफ मिले उनको माफी मांगनी चाहिए? क्या उस वक्त आमिर फारूक को माफी नहीं मांगनी चाहिए कि 24 दिन हो गए हैं वो इमरान खान साहब की जमानत का केस नहीं सुन रहे और जानबूझकर इमरान खान साहब को 24 दिन इन्होंने जेल में रखा, अब जब इनको पता चल गया कि सैफर में इमरान खान साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया है, अवाम के सामने अपने आप को ईमानदार साबित करने के लिए खान साहब की सजा मुअत्तल कर दी है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखें।